हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। दोस्तों आज हम करने वाले करंट अफेयर्स की 10वीं क्लास, जो आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, लेखपाल, एमटीएस और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों इसके साथ ही आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ एकदम फ्री में दी जा रही है। और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी ये आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी से 8 फरवरी के बीच चलने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 फरवरी से 8 फरवरी के बीच चलने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन कर्नाटक में किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थापनों की 6ठी बैठक का आयोजन कहां पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ या फिर ऑप्शन डी उज्जैन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एशियाई क्रिकेट संघ ACC द्वारा किस देश में क्रिकेट बजट को बढ़ाकर 15% कर दिया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एशियाई क्रिकेट संघ ACC द्वारा क्रिकेट बजट को बढ़ाकर 15% कर दिया है। और दोस्तों ये अफगानिस्तान ही है जो हमारे भारत देश के साथ 106 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 450 करोड़ रुपए लागत से नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। प्रतिवर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 11 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 12 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8 फरवरी। प्रतिवर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस 8 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण का आयोजन 6 मार्च से 24 मार्च तक कहां पर खेला जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र में 24 मार्च से 26 मार्च तक खेला जाएगा। दोस्तों ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 2023 के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। और दोस्तों इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 7, भारतवंशी अप्सरा अय्यर किस देश में हार्वर्ड लॉ रिव्यू की 137वीं अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड या फिर ऑप्शन डी कनाडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका की 137वीं अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक सलाहकार परिषद की सामाजिक प्रगति सूचकांक की पहली रिपोर्ट के अनुसार नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी लद्दाख या फिर ऑप्शन डी पांडुचेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखना कि इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा पहले स्थान पर है जबकि ये नागालैंड दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम यात्रियों की समस्या का निवारण करने के लिए चैट बॉक्स शुरू किया है। ऑप्शन ए समाधान चैट बॉक्स, ऑप्शन बी पावर चैट बॉक्स, ऑप्शन सी सुविधा चैट बॉक्स या फिर ऑप्शन डी निवारण चैट बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पर उस चैट बॉक्स का नाम बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समाधान चैट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कॉल इंडिया की किस सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम ने वेब आधारित पोर्टल लॉन्च कर कोयला खदानों में ड्रोन इस्तेमाल किया है?
ऑप्शन ए महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, ऑप्शन बी कृष्णा कोल फील्ड्स लिमिटेड, ऑप्शन सी तलचर कोयला लिमिटेड, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा 25वें संस्करण किस कंपनी को वर्ल्ड मोस्ट एडवायर्ड कंपनीज की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए TCS, ऑप्शन बी HCL, ऑप्शन सी रिलायंस, या फिर ऑप्शन डी HP। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए TCS। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 फरवरी, ऑप्शन बी 8 फरवरी, ऑप्शन सी 9 फरवरी, या फिर ऑप्शन डी 10 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10 फरवरी। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विनाशकारी भूकंप से प्रभावित तुर्की में भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन जिंदगी, ऑप्शन सी ऑपरेशन दोस्त, या फिर ऑप्शन डी ऑपरेशन दोस्त। दोस्तों ये दो ऑप्शन एक ही जैसे हो गए हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी और डी ऑपरेशन दोस्त। दोस्तों तुर्की में जब विनाशकारी भूकंप आया था तब भारत ने उसकी मदद ऑपरेशन दोस्त को चलाकर की थी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए कितनी ग्राम पंचायतों में जन सुविधा प्रदान करने के लिए मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड ने। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कमरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाड़ी कमरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में राजस्थान कोटा में आयोजित औद्योगिक प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन कौन करेगा? ऑप्शन ए अशोक गहलोत, ऑप्शन बी ओम बिड़ला, ऑप्शन सी नारायण राणे, या फिर ऑप्शन डी कलराज मिश्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओम बिड़ला। दोस्तों ये जो ओम बिड़ला हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर इनको भी याद रखना ये जो अशोक गहलोत हैं ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में AM अहमदी का निधन हो गया ये कौन थे? ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी पूर्व सांसद, या फिर ऑप्शन डी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश। AM अहमदी जो जिनका निधन हो गया ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत में। विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन भारत में हुआ है और इसमें ये जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल थे, जिसकी बैठक का आयोजन भारत में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए AS देसवाल, ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला, ऑप्शन सी पंकज कुमार सिंह, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला को, सशस्त्र सीमा बल का महानिर्देशक रश्मि शुक्ला को बनाया नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जयपुर, या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन भोपाल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में गूगल द्वारा कितने यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया है?
ऑप्शन ए 7,500, ऑप्शन बी 6,000, ऑप्शन सी 6,500 या फिर ऑप्शन डी 5,000। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7,500, जिसमें से 6,000 यूट्यूब चैनल चाइना के थे। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता अलेस बेलिया वयस्की को व्यवस्था भंग करने व तस्करी में आर्थिक मदद का दोषी ठहराया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी बेलारूस या फिर ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेलारूस, ये बेलारूस के थे। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में पोवान चुओंग को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी म्यांमार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वियतनाम, पोवान चुआंग को वियतनाम देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिवर्ष वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 2 मार्च, ऑप्शन सी 3 मार्च या फिर ऑप्शन डी 4 मार्च। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 मार्च को। और दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखना कि इस 2 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और प्रतिवर्ष वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक, प्रधानमंत्री ने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कर्नाटक में किया है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना नया ब्रांड अम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शन ए रणवीर सिंह, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी अजय देवगन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रणवीर सिंह, पेप्सी ने अपना नया ब्रांड अम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 27, महिला प्रीमियर लीग के पहले मैच का आयोजन गुजरात जायंटेस और किस टीम के बीच खेला जाएगा? ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी हैदराबाद सनराइज या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में FATF ने किसे ग्रे लिस्ट में डाला है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नाइजीरिया या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला है और इससे पहले रूस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों इस ग्रे लिस्ट का मतलब ये है कि इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। और दोस्तों इस FATF के बारे में ये भी याद रखना कि इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसके अध्यक्ष टी राजा हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में FIBA अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए रोजर बन्नी, ऑप्शन बी कल्याण चौबे, ऑप्शन सी गोविंद राज कैपर रेड्डी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोविंद राज कैपर रेड्डी। तो दोस्तों ये थी हमारी करंट अफेयर्स की 10वीं क्लास। और दोस्तों इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिलेगी। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन हो जाइए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। और दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि अगली क्लास की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती जाएँ।